वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। इस पर शासन ने अवैध शराब की बिक्री व सेवन पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। आज शनिवार को इस कड़ी में मेरठ पुलिस को अच्छी खासी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध रूप से लाई गई शराब बरामद करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 लोग फरार हो गए हैं। इनके पास से केमिकल के 2 टैंकर, भारी मात्रा में यूरिया, बोतल, ढक्कन आदि बरामद हुए हैं। इनमें से ये लोग नकली शराब बनाकर बेच रहे थे। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने आज गिरफ्तार किए गए 7 अपराधियों को मीडिया के सामने पेश किया। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं मेरठ के पुलिस कप्तान अजय साहनी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, निर्देशानुसार जो ऊपर से निर्देश मिले हैं, पूरे प्रदेश में शराब, जो अवैध शराब है, उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी के क्रम में जनपद मेरठ की पुलिस और स्वाट की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें यह निकलकर सामने आया कि पंजाब के कुछ डिस्टिलरी है जहां से टैंकर आते हैं, टैंकर में एक्स्ट्रा माल वहां के कर्मचारियों के मिली भगत से उसमें लोड किया जाता है। ड्राइवर यहां लाते हैं और उसके ढाबों पर सामान उतारते हैं। ढाबों से उसके कुछ वेंडर हैं जो अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं इसको। फिर तीसरे लेयर पर उनको ले जाके पन्नी पॉकेट में और बोतलों में भर के पब्लिक में बेचा जाता है। इस कार्रवाई के तहत 60,000 लीटर के साथ 2 टैंकर बरामद किए गए हैं और 7 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। 13 अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही इसमें भारी मात्रा में बोतल में भरी हुई शराब, पाउच वाली शराब, ENA, 2 टैंकर, ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। और इस अच्छी कार्रवाई पर अपर मुख्य सचिव गृह महोदय द्वारा पूरी पुलिस टीम को, जो इस कार्रवाई में रही है, 2,00,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है और आगे भी इसकी तहत पुलिस टीम जाएगी, विवेचना इसकी प्रचलित है। लेकिन पंजाब में जिन डिस्टिलरी से आता था, वो 3 डिस्टिलरी जो है वो नोटिफाइड हुई है, साथ ही टैंकर बरामद हुए हैं। इसके बाद टैंकर में जो ये सील वहाँ से लेके आते थे, वो सील तोड़ने के बाद माल सप्लाई करते थे, फिर दोबारा उसमें सील भी लगाते थे और अपने गंतव्य तक उसको पहुँचाते थे। और ये जिन जिनको सप्लाई करते थे, ये ड्राइवर जो ले आते थे, ढाबा जिसको उतारते थे, ढाबे वालों से जो लेते थे, वो उनसे अन्य जो लेते थे, वो सारी रैकेट ट्रैक हुई है और इसमें से काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी के लिए भी टीम लगी हुई है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।